इस वक्त हम इनॉक्स थिएटर सेक्टर 4 सातकीरे चौक के पास जो मॉल में है, ये इनॉक्स थिएटर का जो है टिकट काउंटर है। यहाँ कई फिल्में लगी हुई हैं और इस वक्त एक शो चल रहा है दादा लक्ष्मी का, पर दुर्भाग्य से यहाँ पे एक भी पोस्टर नहीं है, जिसका सभी जो फिल्म प्रेमी थे इसके उनको बहुत दुख है। और हम चाहेंगे कि भविष्य में अगर यदि कोई फिल्म लगती है तो एक आध पोस्टर उसका भी लगना चाहिए। अभी दादा लक्ष्मी जो कि ऐतिहासिक पुरुष की मूवी जो देख के आ रहे हैं, पहले अपना नाम बताएंगे प्लीज़। मैं भानी राम मंगला, स्कूल चेयरमैन हरियाणा को सेवा आयोग। आज मैंने दादा लक्ष्मी की जो ये मूवी देखी है, इससे ये सिद्ध होता है कि किसी सफलता के पीछे उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी मतलब मेहनत से, क्यों एक विषय होता है कि जो ठान ली वो पूरा करना है, उस पूरे करने के लिए कितने कितने मेहनत, कितने कितने यातना झेलनी पड़ती है, कितने कितने त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तो उसी के से ही सफलता मिलती है। हमेशा कष्टों के बाद सफलता की कुंजी खुलती है। और जिस तरह हरियाणा की संस्कृति को इस मूवी में दर्शाया गया है, वाकई वो जो है बहुत ही काबिल तारीफ है। इसलिए इस मूवी को देखने से हरियाणा की संस्कृति, भारत की संस्कृति और एक कामयाबी के पीछे कैसी मेहनत करके हम सफलता हासिल करते हैं, वो एक मतलब सब पे इसका असर पड़ेगा। और सब बच्चों पर, सब जो भी सफल होना चाहते हैं इस मूवी को देख करके वो सफल हो सकते हैं, और कितनी मेहनत से, कितनी आत्माओं से सफलता मिलती है। सर, अभी आप फिल्म दादा लक्ष्मी देख के आए हैं, हाँ। कैसा अनुभव रहा फिल्म देखने का आपका? बहुत ही अद्भुत फिल्म बनाई है यशपाल शर्मा ने, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को नज़र आई कि एक माता प्यार जो होता है, अपने बच्चे को खोकर एक माँ कैसे तड़पती है, उस चीज़ को जितना खूबसूरती से यशपाल शर्मा ने फिल्मांकित किया है, और मेघना मलिक जी ने जिस ढंग से उस कैरेक्टर को जिया है, जो माँ का रोल किया है, माँ का रोल जिन्होंने किया, मेघना मलिक जी, मेरे को लगता है कि उससे अच्छा पोर्ट्रेयल माँ का पिछले शायद 20-30 वर्षों में हमने नहीं देखा है। ओवरऑल फिल्म बहुत बढ़िया है। हरियाणा की भाषा, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का गायन, जो कुछ भी यशपाल सांग के प्रति जो लोगों की उदासीनता बढ़ती जा रही है, जैसे खत्म, ये कला खत्म सी हो रही है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसमें आवश्यक है कि थोड़े से सांग और डाले जाएं। मेरे को लगता है कि शायद पार्ट टू में यशपाल शर्मा जी उस कमी पूरा करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। इस वक्त हम 4 सात के चौक पे खड़े हैं और यहाँ इनॉक्स थिएटर में फिल्म दादा लक्ष्मी आपको थोड़ा नजदीक जूम करके दिखाते हैं। इसका एक पोस्टर लगा हुआ है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अंदर एक भी पोस्टर जो है दादा लक्ष्मी फिल्म का नहीं लगा, इसका लगभग हमें तो बहुत निराशा मिली कि हरियाणवी संस्कृति की एक फिल्म और उसका एक भी पोस्टर इन्होंने नहीं लगा रखा। मैं दैलका हरियाणा से राजेंद्र रावत, आपका दोस्त, आपका होस्ट।